हैं जहां से हम देखेंगे कि सोसाइटीज किस तरह की डिफरेंट फेजेस से होके गई है। ठीक है, इस वर्ड को हम एक वर्ड यूज करते हैं यहां पर, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। अच्छा, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है क्या बेसिकली? बच्चे, ए थ्योरी दैट एक्सप्लेन हाउ सोसाइटीज पास थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट फ्रॉम अंडर डेवलप्ड टू फुली डेवलप्ड। हाउ सोसाइटीज पास थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट फुली डेवलप्ड। अब हमारे पास कौन से डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है जिसके थ्रू सोसाइटीज जो हैं वो गुजर के गई हैं? हमारे पास कमोट हैं जो कि इनको एक्सप्लेन करते हैं। कमोट 1853 saw developments in the terms of the ideological changes in how the world was explained. They are explaining from the ideological perspective. He claimed that all societies pass through different development, three different development stages. ये कह रहे हैं कि three development stages से societies होके गई हैं। Number one हमारे पास आता है theological. थियोलॉजिकल सबसे पहले ये कहते हैं कि जो इनिशियली जो सोसाइटी को एक्सप्लेन किया जाता था वो किया जाता फ्रॉम द रिलीजन पर्सपेक्टिव। एक तो फेज ये था कि सोसाइटी को हम एक्सप्लेन करते थे फ्रॉम द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। फिर एक और फेज आया जिसको हम बोलते हैं मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल It was a transition of the stage between the religious and the science. Transition stage between religion and science. अच्छा, अगर मैं third perspective की बात करूं, अब जो एक चीज आ गई है, जो third phase है, उसको हम बोलते हैं scientific. Somehow a positive one. Scientific knowledge is the dominant form of explanation. अब आप जो भी बात करते हैं, अब आपके पास जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो साइंस है। सोर्स ऑफ नॉलेज इज साइंस। भाई यहां तक बात समझ आती है? जी सर, आती है। क्या डिफरेंट फेजेस कौन कौन से हैं? पहले हम सोसाइटी को एक्सप्लेन कर रहे थे फ्रॉम द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, फिर मेटाफिजिकल आया जिसमें ट्रांजिशन थी, रिलीजन और साइंस आमने सामने आ गए। अब हम जिस बात बात करते हैं तो अब आप लोग साइंटिफिकली बात करते हैं रादर देन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थर्ड फेज है जो कि कंबोट ने हमें बताया कि ये इन स्टेजेस से होके गई है सोसाइटी। अच्छा, अगर हम मार्क्सिस्ट का यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करें तो व्हाट मार्क्सिस्ट थिंक्स अबाउट दैट? मार्क्सिस्ट सॉ द डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक टर्म्स। ऑब्वियसली जब जब मार्क्सिस्ट का वर्ड यूज होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोसाइटीज मूव्ड फ्रॉम वन
पॉइंट ऑफ मींस टू अनदर पॉइंट ऑफ मींस, आप इसको ये कह सकते हैं यूनिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, यूनिक, यूनिक नहीं, हम इसको सिंपल कह देते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन, अब मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मार्क्सिस्ट कंसेप्ट दैट सोसाइटी इज पास थ्रू डिफरेंट एंड द सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट, ईच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिफरेंट यूनिक फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। मोड ऑफ प्रोडक्शन, यूनिक फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। अब इन्होंने कौन कौन से स्टेजेस बताए, पहला बच्चे जिसको बोलते हैं, हम बोलते हैं फ्यूडलिज्म, बच्चे फ्यूडलिज्म का मतलब होता है उर्दू जबान में जागीर दराना या जागीर दारी वाला सिस्टम, ठीक है। अब जागीरदारी क्या होती है बच्चे, आपने देखा होगा अगर आप गांव वगैरह में देखें ना, तो एक बंदा होता है जिसके पास जमीनें ज्यादा होती हैं, वही बेसिकली फिर क्या बुलाता है, पंचायत बुलाता है और वही सारे के सारे मसले सॉल्व करवाता है। आपने देखा भी होगा ड्रामों में और रियल लाइफ में भी देखा होगा, स्टिल सिंध के या पंजाब के कुछ हिस्सों में ये चीज अभी भी एग्जीक्यूट की जाती है फ्यूडलिज्म का। जी सर, ठीक है। अब ये राइट्स क्यों दिया जाता है, क्योंकि फ्यूडलिज्म उस बंदे के पास जमीनें ज्यादा हैं, आप यूं समझें वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, इसलिए उसको ये राइट्स दिया जाता है कि वो इस तरह के जो भी डिसीशन है वो बंदा ले। पहले हमारे पास जो सिस्टम था उसको हम बोलते हैं फ्यूडलिज्म। अच्छा, उसके बाद आया कैपिटलिज्म, जैसे हमने पहले बोला था कि पहले एक टाइम था जब हम लैंड को, जिनके पास लैंड होती थी उनको रिच बोलते थे, फिर दौर आया इंडस्ट्री का, बच्चे जिनके पास इंडस्ट्री है उसको रिच बोला गया। अगर मैं आपको पाकिस्तानी पॉलिटिकल एक सिचुएशन का एक आपको आइडिया दूं, तो बच्चे इस वक्त भी आपके जो पॉलिटिकल लोग हैं वो इज अ काइंड ऑफ अ फ्यूडलिज्म और कैपिटलिज्म ही है, जिनके पास जमीनें ज्यादा हैं, जिनके पास इंडस्ट्री ज्यादा है वही लोग रूल करते हैं। समझ आती है बात यहां तक? जी सर, आती है। अच्छा, ये हो गया। थर्ड फेज आता है जिसको हम बोलते हैं कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का बच्चे आपने सिंपल मतलब समझ रहे हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस में अगर आप कहते हैं कि पैसा है, तो पैसा सेम शेयर होता है। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, कम्युनिज्म पाकिस्तान में तो नहीं है, कम्युनिज्म अगर आप बात करें चाइना की, अगर आप बात करें यूरोपियन कंट्रीज की, तो वहां पर कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म का क्या मतलब है कि बच्चे अगर आपका एक स्वीपर है, ठीक है, एक स्वीपर है और एक वहां का प्राइम मिनिस्टर है, बच्चे दोनों की जो इनकम है ना पर ईयर की, शायद उसमें 3 to 4,000 यूरोस का डिफरेंस हो, तो मुझे बताएं कि जब इसको भी उतने ही पैसे मिलते हैं जितने प्राइम मिनिस्टर्स को मिलते हैं, तो आप इतना मुश्किल काम क्यों करना चाहेंगे। देखें, रोड स्वीपर कोई भी बन सकता है, ऐसे ही है। जी सर, ऐसे ही है। अब डॉक्टर बनना क्या हर हर के बस की बात है? नहीं सर। इन द एंड जब रोड स्वीपर और डॉक्टर की सोर्स ऑफ इनकम, या आप कहते हैं कि इनकम लेवल एक जैसा हो, ठीक है, तो फिर हर बंदा डॉक्टर नहीं बनना चाहेगा। तो कम्युनिज्म क्या है बच्चे, कि जब आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होती है ना, तो बहुत सारे इश्यूज आपके सॉर्ट आउट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें ब्रिटिश कंट्रीज में देखें, तो वहां का प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे आता जाता है, आप लोगों के प्राइम मिनिस्टर साइकिल्स पे नहीं आते,
क्यों? क्योंकि पावर डिस्टेंस है। अगर वो भी साइकिल पे आए, आप भी साइकिल पे आए, तो आपके साथ से एक नवाज शरीफ गुजर जाए, शहबाज शरीफ गुजर जाए, इमरान खान गुजर जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सारी चीजें कॉमन नजर आएंगी। क्यों? बिकॉज ऑफ द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ। अब आप या हम कहें कि वो आते हैं और रोड्स क्यों ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि पावर डिस्टेंस है। हम उनको कुछ बहुत कोई नई चीज समझते हैं। ठीक, कम्युनिज्म क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ। अब सोसाइटी जो है वो कम्युनिज्म की तरफ मूव कर रही है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्सेज की तरफ। अच्छा, इसके बाद हमारे पास वेबर की डेवलपमेंट है। वेबर सॉ द डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ चेंज, सॉ डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ चेंज in terms of change from traditional or pre-modern to modern research society. Industrial society. पहला हमारे पास है इंडस्ट्रियलाइजेशन, वेबर के अकॉर्डिंगली पहला हमारे पास आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। नंबर सेकंड जो हमारे पास आता है वो होता है अर्बनाइजेशन। बच्चे अर्बन अंडर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है कि सोसाइटीज में है जो इंडस्ट्री ज्यादा लगना शुरू हो गई। क्या हुई? इंडस्ट्री लगना स्टार्ट हो गई। इंडस्ट्री किस किधर लगना शुरू हो गई? बड़े सिटीज में। अब वो क्या था कि विलेज से लोग बड़े सिटीज में मूव करना शुरू हो गए, तो वो क्या हो गया? अर्बनाइजेशन होना स्टार्ट हो गई। बहुत सारे लोग उठकर एक छोटी छोटी जगह पर, एक खास जगह पर आना रहना शुरू हो गए, तो वो जो छोटी सी जगह थी वो बहुत बड़ी हो गई। जैसे आप शहरों की बात करें तो आपकी मेजोरिटी इस वक्त रहती है शहरों में। क्यों? क्योंकि वहां पर आपकी इंडस्ट्री है, वहां पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट के मौके मिलते हैं। इस वजह से लोग क्या है, वो गांव से छोड़कर शहरों में आ जाते हैं। इसको हम बोलते हैं अर्बनाइजेशन। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास रोस्टो आते हैं जिन्होंने पांच स्टेजेस एक्सप्लेन किए हैं। रोस्टो आते हैं हमारे पास जो कि फाइव स्टेजेस डेवलपमेंट के बताते हैं, फाइव स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। पहला हमारे पास है ट्रेडिशनल सोसाइटी। ट्रेडिशनल सोसाइटी, अब ट्रेडिशनल सोसाइटीज में क्या है? रिलीजन और मैजिक, रिलीजन एंड मैजिक। बच्चे देखें, ये कहते हैं जो पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी थी वहां पे रिलीजन बहुत ज्यादा था और लोग मैजिक करते थे, मतलब काला जादू वगैरह बहुत ज्यादा करते थे। अब होता है बट रेयर होता है, ठीक है। ये एक फेज ये था सोसाइटी का, जिसके अंदर हमारे पास क्या था? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होती थी, सोशल रिलेशनशिप्स लार्जली फिक्स्ड थे, कि जिनके साथ है सो बस है, फिक्स्ड एट बर्थ रेट। फिक्स्ड एट बर्थ मतलब एस्क्राइब्ड स्टेटस ही होता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसी फ्रेंड से लोहार के घर में पैदा हुए तो उसने लोहे का काम करना है, ठीक है। जो कास्ट के हिसाब से जो चीज डिवीजन थी लोग वही काम करते थे, तो वो ये उस दौर की बात हो रही है। अच्छा, नंबर सेकंड हमारे पास आई प्री कंडीशन।
फिर हमारे पास आई प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ. दिस स्टेज इज कॉज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द अदर सोसाइटीज. फिर क्या हुआ इसके अंदर, इसके अंदर ट्रेड आई, लोगों ने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, एक्सचेंज करना शुरू कर दिया. इसी के अंदर एड आना स्टार्ट हो गई, लोन देना स्टार्ट कर दिए जो कि अंडर डेवलप्ड सोसाइटीज थी. फिर इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी साइंस इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गई, साइंस का इंट्रोडक्शन. थर्ड फेज की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास था टेक ऑफ स्टेज. टेक ऑफ स्टेज बच्चे, एट दिस स्टेज ग्रोथ बिकम सेल्फ सस्टेनिंग. ग्रोथ बिकम सेल्फ सस्टेनिंग. ग्रोथ बिकम सेल्फ सस्टेनिंग. फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, रैपिड एक्सटेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. अब यहां पर मैन्युफैक्चरिंग चीजें होना स्टार्ट हो गई, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग क्या है, अब इंडस्ट्री लगना स्टार्ट हो गई. पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस डेवलप, मतलब कल्चरल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन डेवलप, इंस्टीट्यूशंस डेवलप. इसका मतलब ये है पॉलिटिकली, मतलब गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस बनाई गई जो कि इंडस्ट्रीज को टेक केयर करने लग गए, उन्होंने रूल्स बनाना शुरू कर दी, लॉज बनाना शुरू कर दी, तो एक्सपेंशन हो रही थी. नंबर फोर जो हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है द ड्राइव टू मैच्योरिटी. द ड्राइव टू मैच्योरिटी, दिस इज कंसोलिडेशन फेज. Consolidation phase. Consolidation phase. Economic behavior become more diversified. Economic behavior becomes more diversified. Becomes more diversified. Produce a wider range of the good and services for both internal consumption and export. चीजें बनाना भी शुरू हो गए और बाहर बेचना भी स्टार्ट हो गए. फिर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आना शुरू हो गए, जैसे मैंने अभी बताया गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड वेलफेयर सिस्टम, इस तरह के सिस्टम इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गए फोर्थ के अंदर. फिर लास्ट जो हमारे पास आया वो है मेच्योरिटी द फाइनल स्टेज. मेच्योरिटी द फाइनल फेज, और इसको बोलते हैं रोस्टो ने नाम दिया एज ऑफ द हाई मास कंजप्शन. एज ऑफ हाई मास कंजप्शन. इसमें क्या हुआ, एडवांस लेवल ऑफ द इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज डेवलपमेंट रिलेटिंग टू नॉट जस्ट मैन्युफैक्चरिंग बट द सर्विस इंडस्ट्री. इसमें सर्विस इंडस्ट्री आना स्टार्ट हो गई, आप कह सकते हैं आईटी ने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को. फिर इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ द चॉइसेस, चॉइसेस बहुत ज्यादा आना स्टार्ट हो गई क्योंकि प्लेंटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, इस वजह से ऑप्शन जो है ना वो ज्यादा के ज्यादा डेवलप होना स्टार्ट हो गए.